हेलो वीवर्स, चलिए आज हम चलते हैं एक नए अनटोल्ड प्लेस झंझेली। झंझेली जो है वो मंडी से 90 किलोमीटर्स दूर है। ये एक वैली है, बहुत ही खूबसूरत वैली है और आसपास बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। हम वहाँ आपको लेके चलते हैं। एज़ यूज़ुअल हमने थोड़ा सा अनयूज्ड, जो कि बहुत नॉर्मली यूज़ नहीं होता, ऑफ बीट एक रास्ता चुना है। मंझवाड़ होते हुए जाता है ये रास्ता, धूमा देवी के रास्ते से निकलता है। आइए देखते हैं यहाँ का। देखिए रास्ते के आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हम व्यूवर्स आपको एक बात बताएं, हम टूरिस्ट नहीं हैं, हम लोग ट्रैवलर्स हैं। तो हमारे लिए जो है ना, किसी स्पॉट पर पहुँच कर उसे तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन जो रास्ते में जाते हैं उसे भी एंजॉय करते। ये देखिए पांडव शिला मिला है हमको बीच रास्ते के, उसमें एक स्पॉट। इसमें ये है कि ये जो पहाड़ है, ये पांडव चट्टान है, मतलब पांडवों के द्वारा है। इसे कितना भी हिलाइए नहीं हिलेगा, लेकिन इसके जो अंदर एक छोटा सा छेद है, वहाँ पे अगर आप उंगली से हिलाते हैं तो वो हिलता है। इतनी बड़ी चट्टान मतलब हिल जाती है। तो ये यहाँ के बारे में, मतलब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि पांडवों का स्थापित है, और कई किंवदंतियाँ भी हैं। झंझेली पहुंचकर हम PWD के गेस्ट हाउस में हम लोगों ने मतलब स्टे किया। ये ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है इसकी। अच्छा है गेस्ट हाउस, चारों तरफ ही बिल्कुल बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे और जंगल के बीच में, बहुत ही सुंदर वैली के ऊपर, बहुत ही अच्छी जगह है रहने की। इसे सुंदर नगर से बुक किया जाता है। यहाँ से शिकारी माता जो है वो 14 किलोमीटर दूर है। अभी बर्फ तो नहीं गिरी है, लेकिन आसपास काफी बर्फ मतलब रास्ते में और इसमें दिखाई दे रहा है। तो हम शिकारी माता तक आपको ले चलने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर काफी डाउन है, इसलिए आसपास बर्फ जमी हुई है। व्यूअर्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। ये देखिए जैसे ये पानी बहता है, वो पूरा बर्फ में बदल गया है, मतलब ठंडा, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। Thank you.
शिकारी माता के बारे में ये मान्यता है कि ये स्थान पहले मार्कंडेय ऋषि की तपस्या स्थली थी। बाद में पांडव अज्ञातवास में जब यहाँ रहे तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया, माँ की प्रतिमा स्थापित की और मंदिर बनाया। यहाँ बर्फ स्नोफॉल होता है लेकिन मंदिर पे या फिर जो प्रतिमाएं हैं उस पर कभी बर्फ नहीं जमती है। अगर हम वहाँ तक आप गए तो आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए रास्ते के चारों आसपास बर्फ जमी हुई है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। वैसे स्नोफॉल होना है, झंझेरी में होता ही है। झंझेरी से शिकारी माता 14 किलोमीटर है और हाइट पर है, वहां हो सकता है कि स्नोफॉल हो चुका हो, काफी बर्फ भी मिले। बर्फ जम चुका है, मतलब पूरा व्हाइट पार्क बन चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और शिकारी माता का जो रास्ता है वो तो बर्फ से ये भर ही चुका है और वहां से मतलब 5 किलोमीटर तक गाड़ी नहीं जा सकती, इतना बर्फ आ चुका है। माता का रास्ता है 5 किलोमीटर और।
आइए चलिए अब हम आपको शिकारी माता के दर्शन करवाते हैं। शिकारी माता के मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं वो खुली हुई हैं। देखिए छत नहीं है, कई बार छत बनवाने की कोशिश की गई लेकिन छत बन रह नहीं पाया। उनके आसपास देखिए कितनी बर्फ है लेकिन प्रतिमाओं के ऊपर कभी बर्फ नहीं जमता है। ये देखिए प्रतिमाओं पे बर्फ नहीं है, आसपास बर्फ है। ये देखिए बर्फ जमी हुई है लेकिन प्रतिमाओं पर नहीं। टॉप ऑफ द हिल है ये मंदिर, आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। आप माता के दर्शन करिए, नजारे को एंजॉय करिए। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।